स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और मैं आपके साथ हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रॉयल मेडिकल। विभिन्न मांगों को लेकर होमगार्ड जवान अब आर पार की लड़ाई के मूड में, कामकाज पूरी तरह ठप। गर्मी का सितम, मार्च माह में ही लोगों के पसीने छूटे, इस वर्ष भीषण गर्मी का अंदेशा। गैर सरकारी शिक्षकों ने भी आंदोलन का मार्ग अपनाया, बैठक कर आंदोलन की बनाई रणनीति। और शहर में रहा होली का जश्न, लोग रंगों में हुए सराबोर। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। विभिन्न मांगों को लेकर पिछले एक अरसे से आंदोलनरत होमगार्ड जवानों ने अब आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। राजधानी रांची में चल रहे आंदोलन में भाग लेने मंगलवार को बड़ी संख्या में शहर से होमगार्ड जवानों ने रांची के लिए कूच किया। पिछले 8 मार्च से बिहार की तर्ज पर झारखंड के होमगार्डों को सुविधा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के आंदोलन में शिरकत करने बुधवार को जमशेदपुर के होमगार्ड जवान रांची पहुंच रहे हैं। इसकी तैयारी में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन जमशेदपुर इकाई पूरी तरह से जुटी है। इस संबंध में एसोसिएशन के कोल्हान सचिव विनय सिंह ने बताया कि अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई होगी, इसलिए अब आंदोलन और धारधार होगा। इसके लिए चाहे उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ेगी वे चुकाने को तैयार है। इधर होमगार्ड के हड़ताल पर चले जाने के बाद से शहर के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के अलावा कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल की सुरक्षा भी भगवान भरोसे हो गई है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना होने पर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह बताने वाला कोई नहीं। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में 8 मार्च से विधानसभा के समक्ष हम लोगों का धरना का कार्यक्रम चल रहा है। आज आंदोलन का 23वां दिन है, लेकिन सरकार अभी तक हम लोग की समस्याओं पर कोई पहल कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सब को देखते हुए हम लोगों ने केंद्र कमेटी में एक बैठक कर ये निर्णय लिए हैं कि 1 अप्रैल को हम लोग मशाल जुलूस के रूप में पूरे रांची की धरती पर सरकार को एक संदेश देंगे कि पूरे झारखंड राज्य के एक एक जवान अब जग चुके हैं और अपने अधिकार को लेने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। इस बार गर्मी ने मार्च के महीने में ही सितम ढाना आरंभ कर दिया है। तापमान 40 डिग्री तक पहुंच चुका है और सड़कें गर्मी और लू के थपेड़ों के चलते सूनी होने लगी है। अनुमान है कि इस बार गर्मी पिछले सभी रिकॉर्डों को तोड़ सकती है। जमशेदपुर में गर्मी ने अपना सितम ढाना शुरू कर दिया है। शहर का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और दोपहर के 12 बजते ही सड़कें सुनसान नजर आने लगी है। वैसे जमशेदपुर शहर में हर वर्ष गर्मी के मौसम में तापमान काफ़ी ऊपर तक पहुंचता है। पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार तापमान 46 डिग्री तक पहुँच जाता है और इस बार मार्च महीने के अंतिम में ही तापमान 40 डिग्री को पहुंच चुका है और संभावना जताई जा रही है कि इस वर्ष गर्मी में तापमान कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। गर्मी चरम सीमा पर है, गर्मी तो बहुत काफ़ी तरह बढ़ रहा है और अभी देखा जाए तो गर्मी आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ती हो जाए। इसके चलते आदमी अपना अपना सुरक्षा के लिए कोई टोपी, कोई चश्मा, कोई रुमाल, कोई गमछा, इस तरह से अपना सब अपना अपना व्यवस्था में लगे हुए हैं कि अपना गर्मी से बचा सके। आने वाला टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। साक्षी बाजार आए अपने बच्चे और अपने फैमिली को लेकर, तो हम लोग यहाँ बच्चे के लिए जो है चश्मे और कैप ले रहे हैं क्योंकि आज से धूप की तापमान बहुत ज़्यादा है और हवा में बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है। तो सबसे पहले ये काम किया है कि 2021 का जो आज सबसे ज़्यादा गर्म दिन है और अपने बच्चों को धूप से बचाने के लिए टोपी और चश्मे हम लेने हैं। स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगा वैसे वैसे सेल भी बढ़ेगा। आज कैसे गर्मी है? गर्मी तो आज कल से बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे गर्मी और बढ़ेगा, घटेगा तो है। उधर गैर सरकारी शिक्षकों यानी प्राइवेट शिक्षकों ने भी अपना एक संगठन तैयार कर लिया है और उन्होंने सरकारी शिक्षकों की तर्ज पर सरकार के समक्ष कुछ मांगे रखी हैं।
अब गैर सरकारी शिक्षकों यानी प्राइवेट शिक्षकों ने भी अपनी मांगों को लेकर एक संगठन तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि वे बेहतर मेहनत करते हैं और बेहतर नागरिक बनाते हैं, पर सरकार की नज़र में उनकी कोई पहचान नहीं है और उनके परिवार दाने दाने को मोहताज हैं। देश भर की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा प्राइवेट शिक्षक हैं जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते हैं और छात्रों को सही मार्गदर्शन भी करते हैं। हमारे देश के जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है, उस पहचान हेतु मैं दो वाक्यों से पूरे देश में संदेश देना चाहता हूं एवं भारत सरकार के संज्ञान में भी देना चाहता हूं कि बेहतर मेहनत कर बेहतर शिक्षा दे बेहतर नागरिक बनाने में हम सब हीरो, परंतु अर्थ का मामला हो या पहचान के मामला हो, संविधान पटल पे हम जीरो। शहर में होली का जश्न तो देखने को मिला, मगर कोरोना की वजह से लोगों ने पर्व को मनाया पर दायरे में रहकर। आइए देखते हैं कैमरे की नज़र से रंगों का त्यौहार होली के कुछ दृश्य। उधर शबे बारात के दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया और विभिन्न कब्रिस्तानों में सीमित संख्या में लोगों ने फातिहा पढ़ा। शबे बारात के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सरकारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया। कोरोना को लेकर सावधानी बरतते हुए विभिन्न कब्रिस्तानों में समुदाय के लोगों ने फातिहा पढ़ते वक्त सीमित लोगों को ही अंदर जाने दिया गया। सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि कोरोना को देखते हुए, समझे ना, जैसा लॉकडाउन का हर जगह महाराष्ट्र वगैरह में लग रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों ने भी धरती डी कब्रिस्तान कमेटी के सारे लोगों ने मीटिंग किया था और मीटिंग में हम लोगों ने भी निर्णय ये लिया है कि 10-10 लोग करके कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे, फातिहा पढ़ रहे हैं और वापस अपने घरों पर जा रहे हैं। यहाँ आप लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to City's favorite play school, laugh and learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल।
द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन. लाफ एंड लर्न. ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विथ क्वालिटी एज वेल. लर्निंग थ्रू प्ले वे मेथड. प्रिपेयर योर चाइल्ड विथ लव एंड केयर. वेल क्वालिफाइड टीचर्स. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. विथ ऑल फैसिलिटीज. प्रोवाइडिंग योर चाइल्ड द बेस्ट प्री नर्सरी एजुकेशन बाय प्ले वे मेथड. फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड. लव एंड लर्न. प्ले ग्रुप नर्सरी किंडर गार्डन बेस्ड ऑन CBSE बोर्ड. शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड. आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास. गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स. गायत्री शिक्षा निकेतन. Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cake, wedding cake. Three rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.
चेन्नई बाजार, जी हाँ आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी वाजिब मूल्य, शूटिंग शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं अंडर गारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट एमबी ज्वेलर्स, मेन रोड सोनाई, कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। रॉयल मेडिकल, All medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड उलियान, कदमा जमशेदपुर, कॉन्टैक्ट 8252364674, 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India. विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान,
आइकॉनिक ओवरसीज सर्विसेज, रोड नंबर 2, मकदमपुर पोस्ट, टाटा नगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 एंड 0657229080।